والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم वाँला 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 दे 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 ही बिनेती ही मसाहात लक जितना भी इसका शकर अदा करे उतना ही थोड़ा है और जितना ज़्यादा हम अपने आप को शुक्रगुजार लोगों की सप में खड़े करेंगे नम्तें बढ़ते ही जाएंगी बढ़ती ही जाएँगी तो माशा आप कोर्स के बढ़ने के साथ साथ बड़े हो रहे हैं क्या आपको लग रहा है कि आप जहनी तौर पर अब माशाल्लाह बलूत की तरफ है समझदारी हकमत बढ़ती जा रही है अपनी जिंदगी के फैसले करने मामलात को देखना आ रहा है आना चाहिए ना खाना खाए तो हेल्थ होनी चाहिए और चीनी खाए तो मोटा होना पड़ता है ठीक है सबसे जरूरी जो चीज़ है ना वो ये है कि हमारे अंदर बर्दाश्त आ जाए मुझे ऐसे लगता है कि कुरान आपको एक ऐसा स्पंच बना देता है एक ऐसा फॉर्म बना देता है कि बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है ना आप पानी डालेंगे तो वो जज्ब होगा दूध डाल देंगे कोई भी चीज़ हाँ फॉर्म के अंदर सख्त चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती ना जैसे सॉलिड्स है उसको आपको खींचना पड़ता है बिल्कुल इसी चीज़ को अपने लिए रखिए कि मोमिन बनते हुए आपने किसी अच्छे के से बुरा नहीं बनना अच्छाइयों को एब्जॉर्ब कीजिए अच्छा दूध है अच्छा पानी है जमजम है जो भी है बाकी ये जो रोड़े सख्तियाँ खुशकियाँ इसको अपनी जिंदगी से निकालते जाएं। आपने एक स्पंज बनाना है अपने आप को आज से अपने लिए एक गोल लिख लें कैनैलिजी बना लीजिए और इसके लिए आपको बर्दाश्त और तहमुल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी याद रखिएगा कोई बच्चा हो या बड़ा शोहर हो या बीवी माँ बाप हो या दोस्त अहबाब किसी की सेहत किसी की परेशानी की कोई खबर कोई खुश करने वाली खबर कोई नागवार खबर इन सब को बर्दाश्त करना सीखिए तमाम से काम लीजिए कुरान पढ़ने ले हाइपर नहीं होते हाँ एक्साइटेड होते हैं वो इमोशनल होते हैं लेकिन इमोशंस में आकर कोई ऐसा काम नहीं करते जो बाद में उनको शर्मसार करे तो जिंदगी दुख सुख है हम बोए जाएंगे नबलुकुम वाला ना ब्लूवन ना हालात की बलोनी हमें बलोती है मधानी डलती है तो ये नहीं हो सकता कि आप हमेशा खुश रहें या आप हमेशा परेशान रहें या आप हमेशा इन दोनों में से किसी एक एक एक्सट्रीम पे रहे कभी ज्यादा कभी कम कोई नागवार बात कोई आए डिस्कस करना छोड़ दें कोई डांट डपट दे जाए थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए जवाब देने को दिल कर है तो थोड़ा सा तहमुल अपनी जिंदगी में लाइए और इसको करते ही जाए करते जाए आप देखिए कि कुछ कैफियात होती हैं ना बस कभी कभी आप गुस्से में होते हैं बेवजह बेचैनी शिकायत है कभी उदासी है कभी मायूसी है कभी बेकरारी है दिल करता है कोई सामने आ जाए तो उसके ऊपर उंडेल दूँ अपने आप को दिल की भड़ास निकाल लूँ जरा खबर ले लूँ उसको सिखा दूँ उसको बता दूँ ये कर दूँ वो ऐसे मौके पर हमत के साथ कुछ इंतजार कीजिए इस से बर्दाश्त आएगी आपको टिप दे रही हूं थोड़ा सा बर्दाश्त थोड़ा सा रुक जाऊं बाद में बात करूंगी फिर करूंगी ये करूंगी कभी कभी आप किसी के साथ झगड़ रहे हो सकता है कि दूसरा उसके लिए जहनी और जिसमानी तौर पर तैयारी ना हो बल्कि आपका यह बोलना ये इस तरह की बात करना या गुस्सा उसके ऊपर खोल देना उसके लिए तबाही का जरिया बन जाए फिर इस थोड़ा सा सब आप सबर करेंगे ना तो आपको मुनासिब अल्फाज समझ आ जाएंगे मैं ये कहूँगी अच्छा ऐसे बात करूँगी कुछ बात दिल में रख लीजिए फिर किसी वक्त में आओगी आप देखेंगे वो पंजाबी में कहते हैं ना आपका मच मर जाएगा वो जो दिल दूसरे के सामने जाके फोड़ना था और फिर आपने बाद में शर्मिंदा होना था वो आपके दिल से निकल जाएगा किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं बहुत गुस्से में थी लेकिन और शोहर की जॉब की वजह से पहले से स्ट्रेस और परेशानी का शिकार थे वो खुद यानी शोहर पहले से स्ट्रेस्ड है ये गुस्से में थी अब जरा सोची है ना जल्दी पे तेल और खपाई लग जाती कहती मैं अपना गुस्सा आज नहीं कल उतारूंगी फिर दिल भर कर झगड़ा करूंगी अगले दिन जब मौका मिला मैंने फारिक देखा कि गुस्सा करूं तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे गुस्से में वो शिद्दत नहीं रही बस यही कीजिए आप भी कभी कभी मर्द भी बिला वजह घर की खातानी से मायूस होते हैं घर में आते ही सख्त बात कह देते हैं कोई गुस्से में कह दिए कुछ अब अगर बीवी के कोई पति पता नहीं घर से कैसे थके हुए बाहर से आए हैं कोई बात सुनकर आए हैं और शोहर को भी चाहिए कि बीवी बीमार हो सकती है बच्चे हैं घर में हो सकता है मेहमान आ गए हों थोड़ा सा इंतजार जुमला लिख लीजिए थोड़ा सा इंतजार बस थोड़ा सा इंतजार बेहतर है थोड़ा सा सब्र कर लीजिए कुछ और सब्र हुँ? आप बेसब्री से बिना सूरत हाल को देखे डांट टिप्पट शुरू कर देंगे एक शिकायतों का पटारा खोलकर बैठ जाएंगे हो सकता है दूसरा बंदा जज्बाती और जिसमानी कैफियत में आपकी उस बात को समझ ना सके और बात बनने की बजाय बिगड़ जाए सुधरने की बजाय वो भी फर जाए तो जरा सोचिए फिर घर की सूरत हाल क्या होगी जी कॉम्प्रोमाइज करना है लेकिन अपने आप को किल नहीं करना यानी एक होता सेक्रीफाइज एक होते कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज करने वाले जो है ना खुद खुश रहते हैं सैक्रीफाइस करने में चिड़चिड़े हो जाते हैं फिर उनको शुगर हो जाती है फिर उनका बी पी लो हो जाता है तो खुशी और गम में तबीयत अच्छी हो या बुरी हो हमेशा खुश रहिए याद रखिए आपके लफ्ज दूसरों के दिलों पर नक्श हो जाएंगे और फिर अनमिट ऐसे निशान छोड़ेंगे जैसे कपड़े को फिर धोबी से भी धुला ले तो निशान नहीं जाते अल्लाह ताला आपके मेरे इस कुरान पढ़ने को अपने डाल दे आज हमारा एस 21 ट्वेंटी वन का ये सेशन इस बात की दलील बन जाए कि आपने सवील जन्ना कोर्स लेकर एक बहुत ही अच्छा फैसला किया जजाक खैर असलम वरहमत लल्ला वरक والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم